Hi guys, welcome to another episode of Solo Leveling, and today we are going to discuss episode number 5. इसी एपिसोड से रियल एक्शन शुरू होता है. डोंट वरी, सोलो लेवलिंग इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो, एंड बिफोर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप सोलो लेवलिंग की कोई वीडियो मिस ना कर दो. तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो. लास्ट टाइम एपिसोड नंबर 4 में जिनवू ने अकेले ही एक ई रैंक डंजन को क्लियर कर दिया था, और लास्ट सीन में एक डंजन बॉस के डिफेंस को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था सिर्फ एक ब्रोकन स्वॉर्ड से. उसके बाद जिनवू वापस से हॉस्पिटल में आ गया था और कुछ टाइम बीत चुका है. ये वाला एपिसोड शुरू होता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर सारी नर्सेस सिर्फ जिनवू की ही बातें कर रही हैं, उसकी बॉडी की बातें कर रही हैं. बिकॉज जब से वो यहाँ पे आया है, उसने बहुत जल्दी ही मसल्स गेन कर लिए हैं, और वो सब आपस में यही बात कर रही है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी ही मसल्स गेन कर लिया है, और ये सब उसकी अवेकनिंग की वजह से है. अब एक नर्स जिनवू के रूम में जाती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है. देन वो नर्स जिनवू से उसका फ़ोन नंबर मांगती है. इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एपिसोड नंबर 1 में जिनवू को देखो एंड देन एपिसोड नंबर 5 में देखो, दोनों पर्सनैलिटीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेक योनहो को, जो कि अभी एक इंटरव्यू दे रहा है. वो वन ऑफ द 7 एस रैंक हंटर है इन जापान, और ये वाला सीन हमें मानवा में नहीं देखने के लिए मिलता. ये वाला सीन डाल दिया गया है एडिशनली. जिनवू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो अब अपने घर आ जाता है, पर उसकी बहन भी उसको देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो चुका है, जो पहले ऐसा नहीं दिखता था. अब जिनवू की बहन तो स्कूल चली जाती है, तब जिनवू अपनी उस स्क्रीन को खोलता है और अपने आज के पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ, एलिजिटी एंड प्रिसिशन जैसी चीज़ों में ऐड करता है. जिस तरीके से हम गेम्स के अंदर अपने पॉइंट्स को ऐड करते हैं अपने हिसाब से. अब जिनवू को एक कॉल आता है, जो कि उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होता है, क्योंकि उसने अपने हाउस रेंट को पे नहीं किया और उसके पास अभी कोई पैसा नहीं है. वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आया है. अब उसको एक जॉब की ज़रूरत है. वो अभी भी इस बात से कंफ्यूज है कि ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही हैं, क्या ये सेकंड अवेकनिंग है या कुछ और है. पर अब वो गॉबलिंस और दूसरे वीक क्रीचर्स को एक ब्लो में मार सकता है, तो अब उसके पास पैसा कमाने का ज़्यादा अच्छा चांस है. पर इसके लिए उसको हायर गेट विंडो में एंटर करना पड़ेगा, पर वो एक ई रैंक हंटर है, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है. इसलिए वो अपने री इवेलुएशन के बारे में सोचता है, पर उसको पता है कि सेकंड अवेकनिंग एक रेयर चांस है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता. वो ज़्यादा अटेंशन नहीं ग्रैब करना चाहता, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो चुप रहेगा, क्योंकि वो एक इजी टारगेट बन सकता है, और अभी उसको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. लास्ट में वो छुप रहना ही सही समझता है, और अब वो ई रैंक का हंटर बनकर ही काम करेगा. होपफुली उसको एक जॉब मिल भी जाती है. वो किसी दूसरी टीम के साथ डंजन में जा रहा है, जिसके लीडर का नाम है हवांग डांगसुक, जो कि 6 लोगों की टीम है. जिनवू को वहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए बुलाया गया है. तभी डांगसुक की टीम में से एक बंदा बोलता है कि मैं इसको तो जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सब इसको द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कहते हैं. स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जिनवू को सब वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कहकर उसको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते थे. पर डांगसुक अपने टीम मेंबर के मिसबिहेव के लिए जिनवू से अपोलोजाइज करता है. देन वो उसको बताता है कि तेको सिर्फ नंबर फिल करना है, क्योंकि बिना 8 लोगों की टीम के हम एक सी रैंक डंजन में नहीं जा सकते. वो जिनवू से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और उसको कहते हैं कि तेको कोई भी स्पॉइल रिसीव नहीं होगा, क्योंकि तू कॉम्बैट टीम का हिस्सा नहीं है. पर उसकी जगह जिनवू को 2 मिलियन कंपनसेशन मिलेगी.
तभी हम देखते हैं कि चिनवू सिर्फ और सिर्फ देख के पता लगा लेता है कि इन लोगों की कौन कौन सी रैंक है, क्योंकि अब ट्रेनिंग की वजह से उसकी प्रिसिशन की पावर बढ़ चुकी है। चिनवू का काम सिर्फ इतना है कि वो सामान को उठा के चलेगा और बाकी सारी चीज़ें उनकी टीम संभाल लेगी। यहाँ पे चिनवू सिर्फ अकेला पर्सन नहीं है जिसको सिर्फ नंबर को पूरा करने के लिए बुलाया हुआ है, यहाँ पे एक और डी रैंक का हंटर है जिसका नाम है जिन हो, जो कि उनके साथ सिर्फ नंबर्स को कवर करने के लिए जा रहा है। ये पार्टी अपने साथ किसी हीलर को भी नहीं लेके जा रही है। पूछने पे वो बताते हैं कि हीलर को रिक्रूट करना एक प्राइवेट पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है और वो बिना हीलर के भी काम चला लेते हैं। जो जिन वो है वो पूरा मोना स्टोन का आर्मर पहन के आया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस वर्ल्ड में। जिन वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी है और वो जिन वो से कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब वो उस गेट से डंजन के अंदर एंटर करते हैं और ये जिनवू का भी फर्स्ट टाइम है एक सी रैंक के डंजन के अंदर जाना। जैसे ही वो डंजन के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि डंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, पर ये डंजन पूरी तरह से पिच ब्लैक है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और इसको देखकर जिनवू को कार्टिजोन टेम्पल की याद आ गई जहाँ लास्ट टाइम वो मरते मरते बचा था। वो थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं तो उनको अभी भी एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिखा है। पर तभी जिनवू बोलता है कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट है, पर वो सिर्फ अभी दिखाई नहीं दिए। वो सिचुएशन को देखने और समझने के बाद कहता है कि यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट है वो इंसेक्ट टाइप है। और तभी सब लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में मैजिकल बीस्ट अटैक कर देते हैं। ये वाली टीम अपने काम में बहुत अच्छी है, वो एक मैजिकल बीस्ट को भी नहीं छोड़ती और सबको काफ़ी ईजीली डिफीट कर देती है। इसके बाद उनका लीडर बोलता है कि चलो जल्दी से सारे स्टोन्स को कलेक्ट करो और उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। उनका लीडर अभी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि जिनवू को पता लग जाता है पहले ही कि वो ऊपर से अटैक कर रहा है, तो वो जिनवू से ये बात पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है। तो जिनवू आंसर करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्यूशन थी, पर जिनवू सिर्फ और सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है तो ये थोड़ी सी अजीब बात है। वो वहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ बीस्ट ऐसे हैं जिनको उन्होंने नहीं मारा बल्कि उनके ही तरह के किसी बीस्ट ने मारा है। तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट होना चाहिए। अब वो बॉस को ढूंढने के लिए डंजन में और अंदर जाना शुरू कर देते हैं और ईजिली बॉस को ढूंढ भी लेते हैं। उस रूम में जिसमें बॉस होता है वहाँ पर बहुत सारे मोना स्टोन्स होते हैं जिनकी वैल्यू बिलियंस में है। टोंग सुक कहता है कि अब सबके हिस्से में 100 मिलियन अप्रोक्सीमेटली आ सकते हैं। यहाँ पे जिन वो जाकर टोंग सुक से पूछता है क्या तुम मैजिक स्टोन्स को 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मैजिक स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। वो ये बात सुनकर इस बात के लिए अग्री तो कर देता है, पर फिर बहाना बनाकर वो उस डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि हमें पहले इन मोना स्टोन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत है और बाहर जाके हमें टूल्स लाने पड़ेंगे। तो वो जिनवू और जिनवू को छोड़ के उस डंजन से बाहर निकल जाते हैं, पर जिनवू को चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और होता भी ऐसा ही है। वो ऑर्डर देता है कि इस रास्ते को ब्लॉक कर दो जहाँ से वो वापस आ सकते हैं। वो एक बड़े ब्लास्ट से रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब जिनवू और जिनहो दोनों के दोनों बॉस के रूम में अकेले फंस चुके हैं और अब वो बीस्ट भी जाग चुका है, तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डेंजरस हो गई हैं। तब जिनवू डिसाइड करता है कि वो बॉस को हेड ऑन लेगा, क्योंकि जिनवू एक ई रैंक का हंटर है और ये बीस्ट एक सी रैंक का बीस्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है। पर वो फिर भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि एक अच्छा चांस है अपने लेवल को अप करने का। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यहीं पे हमारी ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सोलो लेवलिंग की ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे।
और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।